ओके ओके दिल से कहूँ अगर पैन इंडिया वोटिंग होती और फिर ऐसा होता तो ज़्यादा दुख होता, पर अगर कुछ लोगों के ओपिनियन की वजह से ऐसा हुआ और जिनका ओपिनियन मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करती हूँ तो इट्स ओके, बिकॉज मुझे पता है कि हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं लिखा होता और आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड मुझे पता है कि जहाँ का दाना पानी जब तक लिखा है उतना ही रहता है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द शो एंड टू दिस जर्नी बिकॉज आई थिंक मैंने अपने आप के बारे में इतना कुछ डिस्कवर करा. आई फील अ हेल लॉट स्ट्रॉन्गर. समथिंग लाइक एलएसडी हैपेंड विच हर एक्टर के लिए एक सपना है एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू बिग बॉस, टू द चैनल, टू एकता मैम, टू एवरी वन, बिकॉज जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स बीन अ गुड राइड. आई विश कि मैं ए वी देख सकती, यू नो, टिश्यू बॉक्स लेकर एंड अपनी पूरी जर्नी दे सकती, बट मैं घर जाके अपने रूम में खड़े होकर वो ज़रूर देखूँगी अपनी जो जितना सपोर्ट प्यार सबसे मिला है जेन्युइनली. इट्स बीन सो, आई फील सो ग्रेटफुल. आई रियली फील सो ग्रेटफुल बिकॉज आई नेवर थॉट आई कुड डू दिस बट आई डिड इट. आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ओके, सो यू नो निमरत ये जानना चाहेंगे अगर आप एलिमिनेट नहीं होते तो कौन होता, आपकी जगह कौन होना चाहिए था? मेरी जगह कौन होना चाहिए? फर्स्टली यार मैं कोई नहीं होती किसी की भी किस्मत डिसाइड करने के लिए कौन जाना चाहिए था कौन नहीं. ये सवाल आपको बताना चाहिए, इस सवाल का जवाब कि कौन जाना चाहिए था कौन नहीं. नहीं, बट आपको क्या लगता है टॉप 5 में कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है वहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि एक रियलिटी शो में रियल रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैंने मेरा नज़रिया था. यू नो, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि गेम 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 कैलकुलेशंस, नहीं. मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ वो पहुँचना चाहिए, मैं रिश्तों में कैसी हूँ वो पहुँचना चाहिए, जब मेरी सैड सिचुएशन है या मैं गुस्से में हूँ, मैं जैसी भी हूँ, यू नो, द गुड साइड द बैड साइड या अगली, दैट शुड रीच. सो अगर वोटिंग के हिसाब से होता तो मुझे पता है कि टॉप 4 तक तो मैं डेफिनेटली थी, और अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ साथ में रहती तो शायद उससे भी आगे. अभी आपने रिसेंटली कहा, यू नो, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, तो यू नो आपने आपका ब्रेकडाउन भी हमने देखा है शो में, तो क्या उसको लेकर आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं या यू नो? आई थिंक जब तक आप अपने आप को किसी भी टफ सिचुएशन में नहीं डालते हो तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है. तो उस चीज़ का एहसास हुआ अंदर जाने के बाद, एंड आई एम श्योर लाइफ इज़ गोइंग टू थ्रो अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एट मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई विल फॉल, बट आई ऑलवेज फाइंड द करेज टू गेट अप बिकॉज नाउ आई हैव सो मेनी पीपल लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी, एंड आई फील लाइक जहाँ से मैं आती हूँ, यू नो, एक मिडिल क्लास फैमिली से, वहाँ पर इतना जिगरा नहीं होता बोलने का कि यार मुझे सच में एक्टर बनना है या मुझे बॉम्बे जाना है, पढ़ाई पे फोकस करो. पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद कन्विंस करना पड़ा कि यू नो दिस माई ड्रीम, आई रियली वॉन्ट टू डू इट. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स यार, बिकॉज जितना उन्होंने मेरे सपनों को सपोर्ट करा है, आई एम सो सो ग्रेटफुल टू देम. सो एवरी टाइम आई फॉल, आई नाउ हैव सो मेनी पीपल हु आई कैन इंस्पायर, सो आई एम गोना टेक दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड गेट अप अगेन, फॉल एंड गेट अप अगेन. I just got out of Big Boss, guys. आपने नेशनल टेलीविजन पर एक मेंटल हेल्थ को लेकर बात की, एंजाइटी के बारे में ओपनली कहा, जो लोग नहीं कह पाते हैं, सो क्या वो बोलने के लिए आपने बहुत बारी सोचा, क्या था वो करेज आपके, मतलब व्हाट डू यू हैव टू से टू द फैंस उस बारे में? सबसे पहले तो नेशनल टेलीविजन पे मैंने सब कुछ कर लिया ब्रो, तो इट्स नो डिफरेंट. जब चीज़ें हुई या जब मेरा डायग्नोसिस भी हुआ, जब भी उतार चढ़ाव रहे, वेदर इट वाज कॉन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज, आई हैव ऑलवेज बीन वोकल अबाउट इट, आई हैवंट शाइड अवे फ्रॉम इट. हमें बुखार होता है, हम मेडिसिन ले लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, एंड इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू स्पीक मोर अबाउट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों में एम्पथी एक दूसरे के प्रति और बढ़े. कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ ये हो रहा है अंटिल इट गेट्स टू एक्सट्रीम. एंड नो, देर वॉज नेवर अ हेजिटेशन. मुझे नहीं पता कि आज मुझे कितने लोग प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैं 100 में से
यू नो अगर 100 लोग भी मुझे प्यार करते हैं या मुझे देख रहे हैं, मुझसे थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और अगर ऑनेस्ट रहकर मैं उन 100 लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, उसमें शायद 10 लोग ऐसे हों जो एक्चुअली ये रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, तो वही मेरी अचीवमेंट है और वही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो देयर वॉज नेवर एनी क्वॉम्स ब्रो, मतलब है तो है ब्रो. तो पापा का क्वेश्चन मैन, इतनी ट्रोलिंग करी क्या सबने, क्यों यार. सफाई क्यों दू, सफाई हो गया जोक्स अपार्ट. टेल मी ऑनेस्टली गाइस, क्या आप लोग अपने मॉम या डैड के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं करते हो? आई रियली वॉन्ट टू नो दिस. आई थिंक वी ऑल हैव हैड दीज कॉन्वर्सेशंस. हर फैमिली मेम्बर के आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चे का एक जो रिश्ता है वो सबसे प्योरेस्ट है. मतलब स्पाउसेस के अंदर भी उतना प्योरिटी नहीं रहता है जितना एक बच्चे और एक यू नो पेरेंट्स के बीच का एक वो रिश्ता होता है. मेरे डैड अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना ही टाइम है और मेरे को 10 पॉइंट्स हैं जो मुझे इसको बताना है, क्योंकि हर पेरेंट को अपने बच्चे में सही पोटेंशियल नज़र आता है. यू नो दे नो देयर चाइल्ड्स ट्रू पोटेंशियल एंड दे वॉन्ट द चाइल्ड टू फ्लरिश, विच इज़ राइट. बट आई कैन ऑल्सो नॉट डिनाई द फैक्ट दैट माई डैड इज़ अ फौजी डैड. ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू नो ही वॉज लाइक सबकी मॉम्स वगैरह आ रही थी, हमें मेरा बच्चा इतना प्यारा, सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो. तो मेरे डैड ने बोला कि शाबाश, यू डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. और उसके बाद उन्होंने जो एडवाइस मुझे देना शुरू करा, उन्होंने एक बार नहीं उसको 10 बार रिपीट किया. एंड यहाँ मैं अपने मन में 100 दिन से इतना सब कुछ अपने दिल में लेकर चल रही थी कि आई वॉज लाइक डैड मेरी तो सुनो, मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो. मतलब मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आपने एक बार बोला आई अंडरस्टूड, दो बार बोला आई अंडरस्टूड, यू डोंट नीड टू टेल मी दिस 10 टाइम्स. अभी लिसन टू मी, आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ पीपल जस्ट क्वेश्चनिंग माई आइडेंटिटी, माई पोटेंशियल, मेकिंग फन ऑफ सर्टन थिंग्स. एंड आई वॉज जस्ट लाइक डैड लिसन, लिसन टू मी टू. एंड आई थिंक मुझे पूरा हक है अपने पापा से ऐसे बात करने का, क्योंकि मैं किसी से भी ऐसे नहीं बात कर सकती सिवाय अपने डैड के या सिवाय मॉम के. एंड वो उनका और मेरा रिश्ता है, उनको पूरा हक है जिस तरह से वो मुझसे बात करना चाहें, क्योंकि दैट इज़ द प्योरिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप. एंड ये बोलना कि नेशनल टेलीविजन पर, अरे नेशनल टेलीविजन पर तो मैं ब्रश भी कर रही हूँ ब्रो, आपको चाहिए रियलिटी शो में कि हम रियल रहें, लेकिन जब एक्चुअली रियल इमोशन दिखता है तो उस पर आप जजमेंट पास कर देते हो कि अरे क्यों, व्हाई. सो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग इट रिडिकुलस दैट आई इवन हैव टू जस्टिफाई माई सेल्फ. ही इज माई डैड, आई कैन बिहेव लाइक अ 10-year-old इन फ्रंट ऑफ हिम, बट नॉट विद एनीवन एल्स. आई कैन नॉट गो इन फ्रंट ऑफ अ रैंडम स्ट्रेंजर एंड बी लाइक नो, बट आई कैन टेल माई हार्ट टू माई फादर एंड आई कैन एक्सपेक्ट हिम टू अंडरस्टैंड माई प्लाइट. आप लोग शायद वहाँ 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे का एपिसोड देखते होंगे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या क्या देखा है, पर मैंने वहाँ दिल से शिद्दत से एक एक सेकंड गुजारा है एक ऐसे सिचुएशन में जो शायद मेरी बेस्ट सिचुएशन नहीं थी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. सो इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज मोमेंट्स. सो या आई थिंक लीडरशिप क्वालिटी ना मेरे DNA में है. मेरी मॉम जो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, मेरे डैड जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, इट्स एक्चुअली इन माई ब्लड एंड आई एम वेरी गुड एट माइक्रो मैनेजिंग पीपल. मेरे अगर आप पर्सनैलिटी को शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, जो सब बोलते थे कि जब कैप्टन बनती है तो एक अलग रूप है ना, सब ने बोला है. किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद वो अलग रूप इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की चीज़ों में टांगड़ा है. कई बार होता है कि हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, जैसे आप और मैं, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में और हम देखते हैं कि बाहर कोई झगड़ा चल रहा है. सो देयर कुड बी टाइम्स वेयर वी लुक एट सम फाइट हैपनिंग
और हम आपस में उसका ओपिनियन अपना डिस्कस कर सकते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, व्हाटएवर. एंड कट टू दे कुड बी ऑल्सो अ डिफरेंट सिचुएशन जहाँ किसी को चोट लगी है, लोग मारपीट कर रहे हैं और हम उतर के जाके उसको रिजॉल्व करके वापस बैठ के फिर भी वो डिस्कशन कर सकते हैं. आई कॉन्ट बी समवन जो अननेसेसरी चीज़ें करे, जो मतलब अगर एक आलू पे लड़ाई हो रही है, आई एम सॉरी बट इट इज़ टू पेटी फॉर मी टू इवन हैव अ फाइट ऑन दैट रियली. एंड आई कॉन्ट फेक इट कि ओ अच्छा अभी 150 कैमरा है, रेलिवेंट रहने, हाँ मुझे भी ऐसा, नो आई एम नॉट दैट पर्सन. बट माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन. सो एवरी टाइम देर इज समथिंग हैपनिंग, एंड जब मुझे एक कैप्टन हूँ तो अभी किसी को पसंद हो या नहीं पसंद हो, लोगों को सुनना तो पड़ेगा. तो जब भी कोई फाइट होती थी, आप अगर ऑब्जर्व करके देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आई ऑलवेज कम अप विद अ सोल्यूशन. अपना ईगो कभी नहीं रखा, लोगों की ईगो को सेटिस्फाई किए प्यार से जो चीज़ सभ्य तरीके से हो सकती है, उस पर मुझे गाली गलौज करने की, किसी की फैमिली पे जाने की, और मुद्दे से सब भूल जाते कि वो लड़ाई शायद एक आलू पर है. सब आ जाते कि तुम ऐसी हो, नहीं तुम ऐसे हो, और 2 घंटे तक झगड़ा चल रहा है, सबकी बैंड बजा दी एक दूसरे की और भूल ही गए कि लड़ाई किस चीज़ पे है, जिसका लिटरली 5 मिनट में एक सोल्यूशन निकल सकता है. इसका मैं एक कारण बताती हूँ कि दोस्ती में ना अक्सर एक हक रहता है, और अगर सामने वाला ये हक जमाए कि तुम अगर जैसे उनको नहीं पसंद की, उनको अर्चना जैसे नहीं पसंद, तो अगर शिव को प्रॉब्लम हो सकती है मेरी अर्चना से बात करने की, तो फिर मैं भी क्यों ना हक जमाऊँ. एक फ्रेंडशिप में जेन्युइनली एक दूसरे पे हक रहता है, तो अगर सामने वाला वो हक जमाएगा तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी बोलूँ कि बेटू यू ऑल्सो कीप योर सेल्फ इन चेक. आपके वो बिग बॉस ने कैप्टन बनाए दोनों बार, नॉट द घर वाले, तो डू यू थिंक कि उनको ये नहीं लगा कि वो फिट कैप्टन और बिग बॉस नहीं आपको बनाया था? इट वॉज इन देयर वोट्स एंड रिव्यूज. Firstly, I want to remind you that captaincy never happened on boats. And which are the 2 times that you are discussing about Bigg Boss making me the captain? The first week. Okay. तो अभी first week की बात करते हैं सिर्फ. First week घर के अंदर घुसकर सबसे पहले Bigg Boss ने बोला था, अगर आप घर के सारे सदस्यों को convince कर लेती हैं कि ये उनका कमरा रहेगा और ये उनकी duties रहेंगी, तो आप बनेंगी captain. जिसके आई थिंक 2 या 3 दिन बाद मुझे फायर किया गया था. शालीन के साथ मेरा बकायदा एक टास्क हुआ था जो मैंने जीता था, तो sorry but nobody served the captaincy to me on a platter. Nimrit, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है? एक बार पे हाल ही में सुमूल को एज इन लाइक हर बार जगाया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके ही फ्रेंड्स आपके लिए ये कह रहे हैं? और वन सेकंड, आई विल मर्ज द टू. ओके, सो सबसे पहली चीज, आप कह रहे थे कि मुझे कैप्टेंसी प्लेटर पे दी है. किसने रद्द करवाया? अच्छा, बिग बॉस की साइड से रद्द हुआ था. आपने एपिसोड देखा नहीं क्या? आपसे